सो गाइस जस्ट अ क्विक रिकैप। तो 2011 में आते आते AMD जो है लॉन्च कर देता है अपने FX लाइनअप के प्रोसेसर्स जो कि बहुत ही सुपर हाइप्ड होते हैं आने से पहले, बट व्हेन दे हिट द मार्केट दे आर एन इंस्टेंट फेल। बहुत बुरी तरह जो प्रोसेसर्स हैं मार्केट में फेल हो जाते हैं, कस्टमर्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं आते प्रोसेसर्स जो है, और यहाँ पर AMD के बुरे दिन जो है स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ पर जो AMD है वो फाइनेंशियल क्राइसिस की तरफ बढ़ने लगता है धीरे धीरे। 2014 फाइनेंशियल ईयर में आते आते AMD रिपोर्ट्स अ लॉस ऑफ $155 मिलियन। और जी हाँ, यही वो टाइम है व्हेन फाइनली डॉक्टर लीजा सू स्टेप्स फॉरवर्ड एज द CEO ऑफ AMD ग्लोबल। तो गाइस मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसे हम लोग कहते हैं नो द ब्रांड, और आज हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द राइज ऑफ AMD। दोस्तों अब यहाँ पर 2014 में जो है अब यहाँ पर AMD शुरू कर देता है काम करना अपने लेटेस्ट Zen आर्किटेक्चर पर। बहुत ही जो AMD है पूरा टूट पड़ता है कि हाँ आप तो करके ही रहना है और इस आर्किटेक्चर पर बहुत अच्छे से काम करना है, और वो अपना एम करते हैं ऐसा, वो जो है मतलब अपना टारगेट सेट करते हैं कि 40% IPC गेन तो हमको लेकर आना ही है इस सेगमेंट में प्रोसेसर्स के, प्लस साथ ही साथ में हमको यहाँ पर अपने सिंगल कोर परफॉर्मेंस पर काम करना है, हमको अपने मल्टी कोर परफॉर्मेंस को भी इम्प्रूव करना है ताकि जो कंपेटिटर है उसके प्रोसेसर्स के साथ में हम लोग कम्पीट कर सकें। तो अब यहाँ पर दोस्तों AMD में क्या हो रहा था, इसमें आगे बढ़ने से पहले बात करना बहुत ही ज़रूरी है कंपेटिटर के बारे में, क्योंकि ये डिस्कशन बहुत ज़रूरी है और वो क्यों है वो आपको भी पता लगेगा। तो यहाँ पर जो इंटेल था ना, इंटेल पूरी तरह से अपने कंफर्ट जोन में आ चुका था, क्योंकि इंटेल को पता था कि उनके जो भी प्रोसेसर लाइनअप्स आ रहे हैं AMD के पास उनका कोई जवाब नहीं है, AMD कुछ नहीं कर सकता चाहकर भी, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ आर्किटेक्चर, इन टर्म्स ऑफ प्योर परफॉर्मेंस जो AMD के प्रोसेसर्स थे उस टाइम के, दे वर नॉट इवन क्लोज टू इंटेल प्रोसेसर्स, काउंटर पार्ट्स को बिल्कुल भी कम्पीट तक नहीं कर पा रहे थे। तो होता ऐसा है कि जब मार्केट में इस तरह की इनकम्पिटेंसी आ जाती है ना, कि मतलब कि और कोई कम्पीट करने वाला ब्रांड है ही नहीं आजू बाजू, तो जो ब्रांड होता है वो खेलता है मोनोपोली पे। अब यहाँ पर क्या हुआ कि अगर आप इंटेल के आर्किटेक्चर को स्टडी करेंगे तो आप ये चीज़ नोटिस करेंगे कि ऑल द वे बैक फ्रॉम सैंडी ब्रिज कमिंग टू द केबी लेक आर्किटेक्चर, ये 6 साल के आर्किटेक्चरल गैप में भी अगर आप देखेंगे ना तो इंटेल के जो प्रोसेसर्स का कोर्स एंड थ्रेड काउंट था दैट वॉज एक्जैक्टली द सेम। फॉर एग्जाम्पल अ कोर i7 2700K और एक कोर i7 7700K, दोनों में ही आपको 4 कोर 8 थ्रेड मिलते थे। मतलब पिछले 6 साल के अंदर जो अपना इंटेल था उसने फोकस किया था सिर्फ IPC गेन में, थोड़ा सा आर्किटेक्चर को रिफ्रेश करने में, कोर क्लॉक स्पीड्स को जो है थोड़ा सा ट्वीक करने में, यही सब पिछले 6 साल में इंटेल ने किया था, और इंटेल के प्रोसेसर्स फिर भी अच्छे खासे बिक रहे थे जस्ट बिकॉज ऑफ दैट मोनोपोली। अब दोस्तों 2015 ये वो टाइम था जब AMD के हालात इतने बिगड़ चुके थे कि ऑलमोस्ट मोटा मोटी $253 मिलियन के लॉस में ऑलरेडी AMD जो था चल रहा था, और यहाँ पर आकर ये चीज़ तो क्लियर हो चुकी थी कि अब करो या मरो वाली सिचुएशन है, क्योंकि अगर Zen आर्किटेक्चर जो कि लॉन्च होने वाला था उसके प्रोसेसर्स अगर डिलीवर करने में फेल हो जाते हैं दैट सिंपली मीन्स कि इसके बाद AMD के पास कोई चांस नहीं है, और लोग ऑलरेडी प्रिडिक्ट कर चुके थे कि अगर इसी हिसाब से चलता रहा तो 2020 तक जो कंपनी है इट विल शट डाउन, और डेफिनेटली जो कंपनी है वो बंद हो जाएगी। तो इस बार AMD हैड टू डू इट, और कोई चांस जो था AMD के पास में नहीं था। अब जो मेन फोकस था Zen आर्किटेक्चर का, जो मेन एम था वो ये था कि एक ऑल राउंड CPU बनाया जाए, और वो भी अफोर्डेबल प्राइस पर, और प्लस वो आर्किटेक्चर जो हो वो इतना ज़्यादा स्केलेबल हो कि उसी सेम आर्किटेक्चर में आप कोर थ्रेड्स को बढ़ा घटा कर, क्लॉक स्पीड्स को ट्वीक कर कर, और उसी को ही जो है आप स्केल कर सके इन डिफरेंट सेगमेंट ऑफ प्रोसेसर्स। वहाँ पर बहुत ज़्यादा चिप डिज़ाइन में जो है बहुत ज़्यादा सरखपाई ना करनी पड़े अलग अलग सेगमेंट्स में। अब द सैड पार्ट वॉज कि इस टाइम तक लोगों का जो कंज्यूमर्स थे उनका AMD से भरोसा हट चुका था। देवर थिंकिंग कि फिर से FX सीरीज जैसे ही हाइप क्रिएट किया जाएगा और परफॉर्मेंस डिलीवर वो लोग नहीं कर पाएंगे, बट दिस टाइम AMD डिलीवर्ड सम मैजिक। फरवरी 2017 फाइनली इस बार पहली बार वी गेट टू सी AMD Zen आर्किटेक्चर इन प्ले, और AMD डिसाइड करता है टू डिच ऑल द प्रीवियस नेम्स एंड दे डिसाइड टू कॉल इट Ryzen। Today is all about Ryzen. Our goal is to show you product specs, benchmarks, demos, maybe a few other things, and most of all, we're here to answer your questions because the time for Ryzen has arrived. तो गाइस राइजन 1000 सीरीज के जो प्रोसेसर्स हैं, जो सीपीयूज़ हैं, वो मार्केट में लॉन्च होते ही एक इंस्टेंट हिट हो जाते हैं। उसकी कुछ वजह हैं, जैसे कि राइजन प्रोसेसर्स में जो है आपको मैं कहूँ कि परफॉर्मेंस पर डॉलर वो बहुत अच्छा मिलता है, यानी कि जो प्राइस आप खर्चते हैं, जो पैसे आप पे करते हैं, उसके हिसाब से जो परफॉर्मेंस है वो बहुत बढ़िया मिलता है एज़ कम्पेयर टू द कम्पिटिटर्स। और इसको आप सीधा सीधा ये भी कह सकते हैं कि वैल्यू फॉर मनी ये प्रोसेसर्स रहते हैं। जो सेकंड पॉइंट है वो ये है कि यहाँ पर आपको कोर्स और थ्रेड्स का जो नंबर है ना वो बहुत अच्छा खासा मिलता है। फॉर एग्जांपल इस टाइम तक इंटेल का जो कोर i7 प्रोसेसर्स जो आते थे दे यूज टू कम विथ 4 कोर्स 8 थ्रेड्स। यहाँ पर जब AMD अपना Ryzen 7 लॉन्च करता है फर्स्ट जनरेशन का, सीधा आपको 8 कोर 16 थ्रेड मिलते हैं। और इस वजह से ये कॉन्टेंट क्रिएटर्स के बीच में भी जो ये प्रोसेसर्स हैं बहुत हाईली पॉपुलर हो जाते हैं। और जैसे कि आपको याद होगा कि AMD ने अपना एक गोल सेट किया था कि हमको 40% IPC जो इंप्रूवमेंट है वो लेकर आना है, बट दिस टाइम दे इवन सरपास देयर एम। तो यहाँ पर ये लोग 40% से सीधा 52% के IPC इंप्रूवमेंट पर आ जाते हैं एज कम्पेयर टू देयर प्रीवियस जनरेशन प्रोसेसर्स। तो अब यहाँ पर जो ये प्रोसेसर्स हैं ऑल्दो दे आर एन इंस्टेंट हिट, बिल्कुल हिट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा AMD जो है पॉपुलर होने लग जाते हैं लोगों के बीच में। बट जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ राइजन है इसमें काफ़ी सारे स्टेबिलिटी इश्यूज भी देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि मेमोरी स्टेबिलिटी इश्यूज, कुछ सॉफ्टवेयर के साथ में, पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के साथ में काफ़ी सारे इशूज़ जो थे वो फर्स्ट जनरेशन में थे, जिनमें से काफ़ी हद तक इशूज़ जो थे उनको सॉल्व कर दिया गया था अपडेट्स के चलते। बट मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरह के कुछ इशूज़ जो थे वो फर्स्ट जनरेशन ऑफ राइजन सीपीयूज़ में जो थे वो देखने को मिले। अब यहाँ पर इससे एक फ़ायदा ज़रूर हो जाता है, हालांकि AMD बिल्कुल जो है मार्केट शेयर जो है उस पर कब्जा नहीं कर लेता। इस टाइम तक AMD जो है मार्केट शेयर को फिर से रीगेन करने लगता है, थोड़ा सा उनका जो मार्केट शेयर है वो पहले के मुकाबले जो है बढ़ने लग जाता है। बट यहाँ पर एक फ़ायदा हो जाता है, वो फ़ायदा ये होता है कि मार्केट में कंपटीशन आ जाता है। कंपटीशन के आने से इंटेल की आंखें जो है वो खुल जाती हैं कि अब तो भैया मुश्किल हो जाएगी, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो फॉर द फर्स्ट टाइम एवर, पिछले 6 साल में जो हमने नहीं देखा था वो हमको देखने को मिलता है। फॉर द फर्स्ट टाइम एवर इंटेल जो है वो अपने प्रोसेसर्स में, सारे ही सेगमेंट के प्रोसेसर्स में जो कोर सीरीज़ के हैं, कोर i3, कोर i5, कोर i7, इंटेल अप्स द कोर एंड थ्रेड काउंट, इंटेल बढ़ा देता है कोर्स और थ्रेड्स। अब यहाँ पर वीडियो को पॉज करना 1 मिनट के लिए और मुझे कमेंट सेक्शन में आकर बताना क्या आपको लगता है कि अगर AMD राइजन प्रोसेसर्स को लॉन्च ना करता तो क्या आपको लगता है कि इंटेल अपने इन प्रोसेसर्स का जो कोर काउंट है, जो कोर्स एंड थ्रेड्स काउंट है, उनको बढ़ाता? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि पिछले 6 सालों में तो कभी ऐसा नहीं हुआ था। इस टाइम पर एकदम से आके इंटेल अपने प्रोसेसर्स का कोर एंड थ्रेड काउंट जो है बढ़ा देता है ताकि वो कम्पीट कर पाए इन राइजन प्रोसेसर्स के साथ में। तो आप भी शेयर करना अपना फीडबैक कि आपको ऐसा लगता है या नहीं लगता, शेयर करना कमेंट सेक्शन में। अब यहाँ पर AMD रुकता नहीं है, AMD बिकम्स अनस्टॉपेबल। 2018 में AMD अपने नए Zen Plus CPU जो है उनको लॉन्च कर देता है, जो कि 12 नैनोमीटर नोड पर मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। यहाँ पर आते हैं आपके Ryzen 2000 सीरीज़ के प्रोसेसर्स, जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलराइज होते हैं मार्केट में। और आई एम प्रिटी श्योर कि आप में से भी काफ़ी सारे व्यूअर्स होंगे जो इनमें से ही कोई प्रोसेसर अभी यूज़ करते होंगे, खासकर कि Ryzen 5 2600, जो कि एक बहुत ही, मैं कहूँ, हाई सेलिंग उनका जो मॉडल था वो रहा। तो क्या Zen Plus जो था वो Zen का एक थोड़ा सा मैच्योर्ड आर्किटेक्चर था, थोड़ा सा रिफ्रेश आर्किटेक्चर था। यहाँ पर जो पहले के स्टेबिलिटी इश्यूज थे जो कि Ryzen के 1000 सीरीज में हमको देखने को मिले थे, उनको एलिमिनेट कर दिया जाता है। और यहाँ पर जो मल्टी कोर परफॉर्मेंस है वो इंटेल के प्रोसेसर से काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। और काफ़ी सारे स्टेट्स में गाइस जो इंटेल के प्रोसेसर्स की सेल है उनसे भी ज़्यादा इन AMD प्रोसेसर्स की सेल जो है वो होने लगती है। बट यहाँ पर इंटेल स्टिल रिमेन्स द किंग। उसकी रीज़न ये है कि इंटेल के पास अभी भी एक रामबाण था, जो कि है उनका बेहतरीन सिंगल कोर परफॉर्मेंस। और इतने अच्छे होने के बाद भी जो प्रोसेसर्स हैं ये इंटेल को सिंगल कोर परफॉर्मेंस में बीट नहीं कर पाते। हालांकि मल्टी कोर में दे बीट द कंपेटिटर विद अ वेरी अच्छा खासा मार्जिन, बट सिंगल कोर में ये प्रोसेसर जो है इंटेल को बीट नहीं कर पाते। और आपको पता होगा कि सिंगल कोर परफॉर्मेंस से आपके जो गेम के स्टेबल फ्रेम रेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। जितना अच्छा सिंगल कोर परफॉर्मेंस होगा आपके प्रोसेसर का, उतना ज़्यादा आपको अच्छा हाई फ्रेम रेट, स्टेबल फ्रेम रेट जो है गेम्स में मिलेगा। बट दोस्तों AMD भी कहाँ पीछे हटने वाला था, AMD ने ठान लिया था कि अब तो आगे बढ़ते ही जाना है, कुछ भी हो जाए रुकना नहीं है यहाँ। तो 2019 में AMD लॉन्च कर देता है अपने Zen 2 बेस्ड प्रोसेसर्स। यहाँ पर जन्म होता है Ryzen 3000 सीरीज के प्रोसेसर्स का। अब ये जो प्रोसेसर्स हैं इनको 7 नैनोमीटर नोड के ऊपर मैन्युफैक्चर किया जाता है। और यहाँ पर कमाल की बात यह है कि हर एक जनरेशन के साथ साथ AMD का मल्टी कोर परफॉर्मेंस तो बढ़ता ही जाता है एज़ कम्पेयर टू द कंपेटिटर्स, लेकिन जो उनका सिंगल कोर परफॉर्मेंस है ना वो भी टाइम टू टाइम इम्प्रूव होता जाता है। और यहाँ पर मल्टी कोर परफॉर्मेंस इज़ वे बियॉन्ड इंटेल काउंटर पार्ट्स, लेकिन सिंगल कोर परफॉर्मेंस में भी बहुत क्लोज आ जाता है। हालांकि अभी भी इंटेल को जो AMD है सिंगल कोर परफॉर्मेंस में बीट नहीं कर पाता, बट काफ़ी हद तक क्लोज उसके जो है आ जाता है। These processors get immensely popular in the audience. In fact, आज भी काफी सारे लोग Ryzen 5 3600 लेने का वेट कर रहे होंगे, तो आप समझ सकते हैं कि कितने ज्यादा पॉपुलर ये प्रोसेसर जो थे, ये लाइनअप जो था ये रहा। यहाँ पर AMD दो और नए प्रोसेसर्स लॉन्च करता है जो कि आते हैं उनके Ryzen 9 सेगमेंट में। AMD लॉन्च करता है उनका Ryzen 9 3900X जो कि आता है 12 कोर्स और 24 थ्रेड्स के साथ में। इसी के साथ में AMD लॉन्च करता है अपना Ryzen 9 3950X जो कि आता है 16 कोर और 32 थ्रेड्स के साथ में। ये उतना ज़्यादा कोर काउंट और जो ये थ्रेड काउंट है, ये पहले के टाइम पर आप देखेंगे तो ये वर्क स्टेशंस में सर्वर ग्रेड प्रोसेसर्स में दिया जाता था, बट अब फाइनली ये डेस्कटॉप लाइनअप जो था ना, जो एक कंज्यूमर ग्रेड डेस्कटॉप लाइनअप है, उसमें भी आपको अवेलेबल मिलता है। ये वाले पर्टिकुलर सीपीयूज भी कंटेंट क्रिएटर्स के बीच में बहुत ज़्यादा पॉपुलर होते हैं। इनफैक्ट मैंने अपने सिस्टम में काफ़ी लंबे टाइम तक AMD का Ryzen 9 3900X जो है उसको यूज़ किया था, एंड आई वॉज कंप्लीटली सेटिस्फाइड विद द प्रोडक्टिविटी परफॉर्मेंस जो कि मल्टी कोर परफॉर्मेंस मेरे को उससे मिलता था। इसी बीच AMD जो है डेस्कटॉप्स तक सीमित नहीं रहता। AMD इस टाइम तक जो वर्क स्टेशन मार्केट है उसको अपने थ्रेडरिपर सीपीयू से जो है कैप्चर करना शुरू कर देता है, और जो सर्वर मार्केट है उसको अपने एपिक सीपीयू से कैप्चर करना शुरू कर देता है। इस टाइम तक काफ़ी सारे कंसोल्स जो हैं दे स्विच टू AMD इंटेल को डिच करके फॉर द प्रोसेसर एंड फॉर द ग्राफिक्स एज वेल। तो यहाँ पर AMD जो है मार्केट में अच्छा खासा अपना जो कहते हैं ना दबदबा, वो बनाना शुरू कर देता है। तो गाइस, अब इतने सारे स्ट्रगल्स के बाद में फाइनली आ जाता है वो दिन, आ जाता है वो पल जिसका AMD को कब से इंतज़ार था और जिसके लिए AMD इतना लगन से मेहनत कर रहा था, काम कर रहा था। फाइनली इस टाइम पर आकर जो AMD है वो रिप्लेस कर लेता है इंटेल को एज द किंग। I'm so proud to show you for the very first time the AMD Ryzen 5000 series for high performance PCs, the world's first Zen 3 powered CPU. This is the AMD Ryzen 9 5900X. नवंबर 2020 ये वो टाइम है जब AMD लॉन्च कर देता है अपने Ryzen 5000 सीरीज़ के प्रोसेसर्स, और ये जो प्रोसेसर्स हैं इनके आने से इन द पास्ट डेकेड पहली बार ऐसा होता है कि AMD के प्रोसेसर्स इंटेल से मल्टी कोर परफॉर्मेंस में तो फास्टर होते ही हैं, बट फॉर द फर्स्ट टाइम एवर AMD CPUs बीट इंटेल CPUs इन सिंगल कोर परफॉर्मेंस एज वेल। जी हाँ, इस पॉइंट पर आकर जो AMD के प्रोसेसर्स हैं सिंगल कोर परफॉर्मेंस में भी इंटेल को सरपास कर जाते हैं, और वो भी अच्छे खासे मार्जिन से। मतलब कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर एक कस्टमर, अगर एक एंड यूज़र एक प्रोडक्टिविटी सिस्टम बाय करना चाहता है तो भी उसको AMD रिकमेंड किया जाता है, और अगर वो एक गेमिंग सिस्टम बाय करना चाहता है तो भी उसको AMD रिकमेंड किया जाता है। क्रेडिट गोज़ टू Ryzen 5000 सीरीज प्रोसेसर्स ऑब्वियसली। इससे मुझे बड़ी मशहूर कहावत याद आ जाती है जो कि एक इंग्लिश की कहावत है, अंग्रेजी की कहावत, जो कि है ही हु सेज ही कैन एंड ही हु सेज ही कैंट आर बोथ यूजुअली राइट। तो AMD इस पॉइंट पर आकर सोच लेता है कि वी डोंट केयर व्हाट इट टेक्स, कितना टाइम लगता है, इस बार नो एक्सक्यूजेस, कोई दूसरा चांस नहीं, इस बार तो करना ही है। येस वी कैन एंड वी विल डू इट, एंड गेस व्हाट, दे हैव डन इट टुडे। You, me, or nobody is gonna hit as hard as life. But it ain't about how hard you hit. It's about how hard you can get hit and keep moving forward. How much you can take and keep moving forward. That's how winning is done. तो गाइस, ये थी स्टोरी AMD की। मुझे बताइए आपको स्टोरी कैसी लगी, क्या आपको ये स्टोरी इंस्पिरेशनल लगी, क्या क्या आपने सीखा इस AMD की स्टोरी से, बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में आकर। और साथ ही साथ में मुझे सजेशंस भी दीजिए कि इसके बाद हम लोगों को किस ब्रांड को कवर करना चाहिए नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो पसंद आई तो सबसे पहली बात तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में भी, ताकि ये स्टोरी और लोगों तक पहुँच पाए और लोग मोटिवेट हो पाए, इंस्पायर हो पाए स्टोरी को देखकर। साथ ही में सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और दबाएं उस बेल आइकन को भी, ताकि आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आए सबसे पहले। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में। टिल देन, चीयर्स।